जी हेलो स्टूडेंट्स, हेलो सर। कर ली हेलो पूरी। यस सर, अस्सलाम वालेकुम सर। यस जी, आप लोगों को आवाज आ रही है? सर, आवाज आ रही है। सही है। जी अब आ रही है? यस सर, यस सर, आवाज आ रही है आपकी। आप लोग अनम्यूट नहीं हुए? म्यूट करना था मैंने। जी सर, ठीक आ रही है। अब कर दिया। ओके okay। नाइट सर। जी स्टूडेंट्स, हेलो। सलामकुम सर। हाँ जी, हमाद और अरीज, आप दोनों को मेरी आवाज आ रही है? ठीक सर, आपकी आवाज आ रही है, ठीक आ रही है आवाज। है। अब मुझे ये बताइए, स्लाइड्स कहाँ से ओपन होंगी? अच्छा, ये लैपटॉप पे मैंने तो आवाज जी बताइए। एक ही दिन ओपन किया था। मोबाइल पे तो सामने ही ऑप्शन होता है, लैपटॉप पे जो दो टैब्स होती है, शायद इसकी एक राइट साइड पे होती है कि ऊपर वाली साइड पे होती है, जो ऊपर वाली साइड पे होती है। असल में इसमें ऑप्शन है शेयर स्क्रीन की, जी सर, बिल्कुल। उसको मैंने ओपन किया है तो एक व्हाइट बोर्ड आ रहा है, आईफोन आईपैड आ रहा है, स्क्रीन आ रही सर, है। पहले आप अपनी स्लाइड्स ओपन करें, फिर वो यहाँ पे शो होना स्टार्ट हो जाएंगी, फिर आप उन पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट स्लाइड्स ही ओपन होंगी। अच्छा तो बाकी सब म्यूट हैं? हाँ यस सर, बाकी म्यूट हैं सब। अच्छा, इन सबको एडमिट मैंने ही करना है?
जी सर वो शायद वेट कर रहे होंगे, आप उनको जो है ना वो ऐड करते जाएं साथ साथ, वो रिक्वेस्ट आपके पास आती जाएगी साइड पे कहीं। सही है। अच्छा स्लाइड्स मैंने ओपन कर ली हैं, लेकिन यहाँ पे कोई ऑप्शन शो नहीं हो रही है। आप स्लाइड्स ओपन कर ली है ना, आप दोबारा वहीं पे जाएंगे शेयर स्क्रीन, उस पे ऊपर क्लिक करेंगे तो वो स्लाइड्स वाला भी, वो पावर पॉइंट वाला विंडो भी नजर आएगी, आप उस पे क्लिक करेंगे तो हो जाएगी। यस सर ये स्लाइड्स ये, हाँ बिल्कुल सर ठीक हो गया, आ गई है, ठीक है, ओके है जी सर, आ गई है स्लाइड्स, आ गई हैं, चलें सही है, सबसे कहें जल्दी जल्दी जी सर बिल्कुल आ गई हैं, so that we can start the जब स्लाइड्स अगर गायब हो जाए तो मुझे बता देगा, ठीक है सर। अच्छा तो लास्ट टाइम हमने कहाँ से पढ़ा था, हमाद जी आप नहीं एडमिट कर सकते इन सबको, हेलो जी, हेलो हाँ हाँ ठीक है सही है, आवाज बाकी आ रही है, स्क्रीन भी शेयर हो रही है, ठीक है ओके। जी तो हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं बच्चों, ठीक है ओके, हमाद आपको मैंने अनम्यूट कर दिया है, आपको और अरीज को, जल्दी जल्दी सब आ जाएं सो दैट वी कैन स्टार्ट द लेक्चर। जी सर आवाज नहीं समझ आई, मैंने आपको अनम्यूट किया कर दिया जी सर, बिल्कुल 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 सर जी सर, और कम्युनिकेशन तो चले जी हम फिर स्टार्ट करते हैं, लास्ट टाइम हमने कहां से पढ़ा था, सर स्लाइड तो याद नहीं है मुझे भी, तकरीबन नौवीं दसवीं स्लाइड थी तकरीबन, ओके आई थिंक हम लोग ने ट्रीटमेंट से स्टार्ट करना था, ठीक है आपसे व्हाट्सएप पे भी शेयर कर देता हूँ स्लाइड्स, असल में ना मैंने थोड़ी सी चेंज की है जो उसका ट्रीटमेंट का पार्ट है,
हमाद आप अपना जरा जीमेल आईडी बताएगा, मैं आपको मेल कर रहा हूँ ये स्लाइड्स। सर हमाद डॉट लतीफ 213@gmail। सर सिंगल एम HAMAD, मैंने आपको मैसेज भी किया है। डॉट लतीफ LATIF 213। जी सर जीमेल। जी सर चलें ये आप क्लास के साथ शेयर कर लें। ओके सर मिल गई है। सर देखता हूँ। यस सर आ गई है। चलें जी kindly open the slides that I have just sent you. We will move from last time हमने pathophysiology पढ़ी थी, clinical presentations, clinical evaluation, diagnostic tests, और अब जो है हमने ट्रीटमेंट की तरफ आना है। ठीक है, कॉम्प्लिकेशंस चलें जी। अब जल्दी जल्दी बच्चों आ जाएं ताकि हम लोग अब लेक्चर स्टार्ट करें। मेरा जो सारा फोकस है वो एडमिट पे लगा हुआ है। चलें अब मैं स्टार्ट करने लगा हूं। ठीक है, हम आ रही सबको आवाज। हेलो सर स्टार्ट कर रहे हैं बिकॉज 40 मिनट। हाँ जी चलें जी। अब कॉम्प्लिकेशंस की अगर बात करें तो इसकी वजह से अल्सर की वजह से जो है वो आपको पता है सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेशन जो है वो हेमरेज है। हेमरेज क्या होता है कि इंटरनली कोई ब्लीडिंग बॉडी के किसी भी पार्ट में जो ब्लीडिंग हो उसको हेमरेज कहते हैं। ठीक है, तो अल्सर्स की वजह से मैंने आपको बताया था कि जो स्टमक की इनर लाइनिंग है उसमें जख्म हो जाते हैं, तो उन जख्मों की वजह से जो है वो इंटरनल ब्लीडिंग जो है वो पेशेंट डेवलप कर लेता है। ठीक है, तो उसके लिए जो है वो उसकी वजह से यूजुअली पेशेंट इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से एनीमिया भी डेवलप करता है, क्योंकि जो अल्सर्स की ब्लीडिंग है वो मतलब जाहिरी तौर पे
नजर नहीं आती है और बहुत टाइम बाद पेशेंट को पता चलता है कि उसमें खून की कमी हो रही है, तो इसलिए जो है वो पेशेंट जो है वो एनीमिया की भी कंप्लेन डेवलप कर लेता है। ठीक है, तो जो अल्सर्स के पेशेंट्स होते हैं उनमें एनीमिया भी होने के चांसेस होते हैं। और ये जो है वो हेमरेज, इट इज इंडिकेटेड बाय ब्लडी और टेरी स्टूल्स, क्योंकि जो ब्लीडिंग होती है वो फिर अंदर उसकी क्लॉट्स बन जाते हैं, अंदर क्लॉट्स बनने की वजह से जो है वो जो स्टूल्स हैं उसमें जो है वो क्लॉट्स पास ऑन होते हैं, जिसकी वजह से जो स्टूल है उसका जो कलर है वो ब्लडी हो जाता है। ठीक है, फिर डायफ्रोसिस, डायफ्रोसिस इज पेशेंट है उसमें जो है वो वॉमिटिंग हो सकती है विद ब्लड, हाइपोवॉल्यूमिक शॉक हो सकता है। हाइपोवॉल्यूमिक शॉक क्यों हो सकता है कि जी बहुत ज्यादा ब्लीडिंग की वजह से पेशेंट जो है वो हाइपोवॉल्यूमिया का शिकार हो सकता है। हाइपोवॉल्यूमिया का शिकार होने की वजह से इवेंचुअली उसमें स्टेट ऑफ शॉक डेवलप हो सकती है। इसके अलावा परफोरेशन, परफोरेशन होता है कि पार्ट ऑफ द वॉल ऑफ द गैस्ट्रिक और ड्यूडिनल वॉल जो है वो पेनिट्रेट कर जाए। आपको पता है जितने भी बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं दे आर कवर्ड विद मेम्ब्रेन या फिर कैविटी फॉर देयर प्रोटेक्शन, तो जो स्टमक या ड्यूडिनल वॉल है वो परफोरेट कर जाती है, पेनिट्रेट कर जाती है इन टू दी मेम्ब्रेनस वॉल, जिसकी वजह से परफोरेशन होती हैं। ठीक है, जिसकी वजह से सडन एक्यूट एब्डोमिनल पेन होती है, टेंडरनेस, टेंडरनेस जब फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं ऐसे पेशेंट्स का तो उनमें जो उनका स्टमिक एब्डोमन होता है उसको जब प्रेस करके देखते हैं तो वहां पे टेंडरनेस होती है, और जब वो प्रेस करते हैं अपने हाथ से डॉक्टर्स या फिजिकल एग्जामिनर जब प्रेस करता है एब्डोमन को तो उसमें पेशेंट को पेन फील होती है। फिर ऑब्स्ट्रक्शन है जिसकी वजह से कि ड्यू टू सम रीजन पेशेंट की जो जीआई ट्रैक्ट है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से जो है वो उसको इन्फ्लेमेटरी एडीमा या फिर किसी भी स्पैज्म की वजह से वो पेशेंट जो है वो उसके जीआई ट्रैक्ट में ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है। ठीक है, तो इसके अलावा और भी बहुत से माइनर इसकी कॉम्प्लिकेशंस हैं जिसमें वेट लॉस है, वॉमिटिंग है, ब्लॉटिंग है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन है, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, ये सारी इसके साथ एडिशनल कॉम्प्लिकेशंस है। लेकिन एनीमिया, हाइपोवॉल्यूमिक शॉक जो है वो इंटरनल ब्लीडिंग ये सबसे कॉम्प्लिकेटेड और सबसे खतरनाक स्टेज है ऑफ दी अल्सर्स, और इसको आप अगर अनट्रीटेड रहने देंगे तो अल्सर्स जो है वो बहुत जो है वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर जाएगा। अब इसमें ट्रीटमेंट ऑब्जेक्टिव्स क्या है कि एक पेशेंट में आप क्या गोल्स अचीव करना चाहते हैं अल्सर्स के पेशेंट्स में, सबसे पहले कि उनमें आप गोल्स सेट करेंगे विच डिपेंड्स वेदर अल्सर इज रिलेटेड टू एच पायलोरी और एनसेड। ठीक है, कि अल्सर की कॉज क्या है, आइदर इट्स जेनेटिक, आइदर इट इज ड्यू टू ड्रग्स के पेशेंट जो है वो एनसेड्स बहुत ज्यादा यूज कर रहा था जिसकी वजह से उसको अल्सर्स हो गए, या फिर कोई माइक्रोबियल कॉज है अल्सर्स के डेवलप होने का। ऑब्वियसली जब तक आप डिटरमिन नहीं करेंगे कि अल्सर की कॉज क्या है तब तक आप लोग उसका सूटेबल ट्रीटमेंट रेजिमेंट नहीं ले सकते। फिर अल्सर, वेदर अल्सर इज इनिशियल और रिकरेंट, दैट मीन्स के अल्सर जो है वो किस स्टेज पे है, मतलब अभी वो इनिशियल स्टेज पे है या पेशेंट जो है वो बहुत ज्यादा रिकरेंटली बार बार जो है वो अल्सर का शिकार हो रहा है। ठीक है, फिर आपका गोल ये होगा कि आप जो ट्रीटमेंट है आप मेक श्योर करेंगे कि वो कॉस्ट इफेक्टिव हो, पेशेंट के लिए जो है वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट ना हो, क्योंकि अल्सर्स का ट्रीटमेंट जो है वो मल्टीपल वीक्स या मल्टीपल मंथ्स तक जो है वो चलता रहता है, तो पेशेंट में पेशेंट की जो क्या कहते हैं फाइनेंशियल कंडीशन है उसके मुताबिक वो बहुत ज्यादा बर्डन ना हो अल्सर्स ट्रीटमेंट का। ठीक है, तो फिर इसके गोल्स आपने क्या अचीव करने, एक तो पेशेंट की पेन को रिलीफ करना है कि अल्सर में जो एब्डोमिनल पेन है उसको रिलीफ किया जाए, प्रमोट हीलिंग, एक दफा अल्सर को आपने कंट्रोल कर लिया तो जो उसके जख्म है
स्टमक के अंदर, उनकी हीलिंग प्रोसेस को आपने स्पीड अप करना है, ठीक है, क्योंकि वहां पे जो अल्सर्स हैं वो जख्म है, जख्म से ब्लीडिंग होती रहेगी तो पेशेंट जो है वो मजीद कॉम्प्लिकेशन का शिकार होगा। तो एज सून एज पॉसिबल आपने उसके अल्सर्स को हील करना है, फिर को प्रिवेंट करना है कॉम्प्लिकेशंस को, मिनिमाइज करना है रिकरेंस को, और मेंटेन करनी है एडिक्वेट न्यूट्रिशन, मतलब नॉन स्पाइसी फूड और ऐसी डाइट जो कि पेशेंट को बजाय नुकसान देने के फायदा दे, ठीक है। फिर इरेडिकेट करना है एच पाइलोरी इन्फेक्शन, अगर उस पेशेंट में एच पाइलोरी इन्फेक्शन है तो उसके बैक्टीरिया को जो है वो खत्म करना है, और एजुकेट करना है पेशेंट को। आपके पास फार्मेसी में भी, रिटेल सेटअप में भी बहुत सारे ऐसे आते होंगे पेशेंट्स, क्योंकि जो अल्सर्स की मेडिकेशन है स्पेसिफिकली जो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स हैं, दे आर व्हाट यू कैन से ओवर द काउंटर मेडिकेशन, ठीक है। तो ओवर द काउंटर मेडिकेशन का मतलब ये है कि आप अपनी काउंटर सेल उसकी कर सकते हैं। तो काउंटर सेल में आपके पास रिटेल में अगर कोई ऐसा पेशेंट आता है कि जो अल्सर का शिकार है, तो आपने उसको एजुकेट करना है और उसको जो है वो काउंसलिंग प्रोवाइड करनी है कि वो अपनी अल्सर्स या ये जो एसिड डिसऑर्डर्स हैं उनको किस तरह से मैनेज कर सकता है या ट्रीट कर सकता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद फिर नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट या काउंसलिंग पॉइंट्स हैं कुछ, कि अगर आपके पेशेंट में अल्सर डेवलप हो गया तो कोशिश करें, अवॉइड करें कि उसको ऐसी मेडिकेशन ना दें या ड्रग्स ना दें, या अगर वो ऐसी मेडिकेशन ले रहा है तो उनको डिसकंटिन्यू करें जिनकी वजह से उसमें अल्सर के एग्रवेट होने के चांसेस हैं। फिर डाइटरी मॉडिफिकेशन करें कि पेशेंट जो है वो ऐसी डाइट को इस्तेमाल करे जो कि उसके अल्सर्स को मजीद एग्रवेट कर सकते हैं, जैसे स्पाइसी फूड है, कैफीन है। फिर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के पेशेंट जो है वो रिड्यूस करे अपने स्ट्रेस को, सिगरेट स्मोकिंग की आदत को कम करे, कैफिनेटेड ड्रिंक्स जो हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, उनको उनकी इस्तेमाल को कम करे, और इसके अलावा जो है वो अदर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, अपनी एक्सरसाइज की हैबिट को डेवलप करे। फिर प्रोबायोटिक्स एंड फूड स्टफ्स, प्रोबायोटिक्स जो है आपको पता है कि दीज आर टू मेंटेन नॉर्मल फ्लोरा इन द जीआई ट्रैक, ठीक है। आजकल आप बहुत ज़्यादा प्रोबायोटिक सॉल्यूशंस या फिर पाउडर्स जो है मार्केट में साशेज अवेलेबल हैं, तो वो जब आप किसी पेशेंट को एंटीबायोटिक देते हैं तो उसकी जो बॉडी का नॉर्मल फ्लोरा है वो भी डैमेज हो जाता है, जो फ्रेंडली बैक्टीरिया है वो भी डैमेज हो जाते हैं। तो अब ये रिकमेंड किया जाता है कि आप एंटीबायोटिक थेरेपी के साथ साथ पेशेंट को प्रोबायोटिक्स भी दें ताकि उसकी जो बॉडी स्टमक का नॉर्मल फ्लोरा है वो मेंटेन रहे, ठीक है। तो क्योंकि नॉर्मल फ्लोरा जो है वो ना सिर्फ ये कि डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, स्टमक की डाइजेशन के साथ साथ वो अल्सर हीलिंग को भी इम्प्रूव करता है। और अगर पेशेंट जो है वो कॉम्प्लिकेशन डेवलप कर ले तो वहां पे जो रिक्वायर्ड सर्जरी है वो की जाए, ठीक है। Now coming to the next slide, that is 14th, उसमें ड्रग थेरेपीज हैं कि कौन कौन सी ड्रग्स यूजली इस्तेमाल होती हैं फॉर द अल्सर्स। उसमें एंटीसिड्स हैं, एंटीसिड्स कोई भी ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं जो कि स्टमक में एसिड की जो सेक्रीशन है उसको या तो कम करती हैं या फिर जो एसिड ऑलरेडी प्रोड्यूस हो गया हुआ है उसको न्यूट्रलाइज करती हैं। याद रखिएगा दो पॉइंट्स होते हैं, एक तो वो ड्रग्स होती हैं जो कि एसिड की सेक्रीशन को ही कम कर देती हैं या बिल्कुल ही ब्लॉक कर देती हैं। दूसरी ड्रग्स, क्योंकि जब एसिड एक दफा प्रोड्यूस हो गया है तो वो भी स्टमक में नुकसान पहुंचा रहा है, ठीक है। तो अब जो एसिड ऑलरेडी बॉडी में प्रोड्यूस हो गया है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए या स्टमक के पीएच को नॉर्मलाइज करने के लिए भी ड्रग्स दी जाती हैं, तो उनको एंटीसिड्स कहते हैं। फिर हिस्टामीन्स हैं और प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स हैं, ये दो ड्रग क्लास हैं जो कि एसिड की सेक्रेशन को ब्लड में स्टमक में कम करती हैं, ठीक है। नाउ कमिंग टू द एंटीसिड्स, एंटीसिड जैसे मैंने आपको बताया था कि दे न्यूट्रलाइज द गैस्ट्रिक एसिड, कि ऑलरेडी जो एक एसिड प्रोड्यूस हो गया है उसको दे विल न्यूट्रलाइज। दे ट्रीट अल्सर्स पेन एंड हील द अल्सर, जब एसिड को उन्होंने न्यूट्रलाइज कर दिया तो उसकी वजह से ऑटोमेटिकली स्टमक खुद ही अपने आप को हील कर लेगा, ठीक है। फिर एंटीसिड्स में जो है यूजुअली मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कैल्शियम
मिक्सचर्स ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड्स, ठीक है, जो आपको मैं बता देता हूँ कि मार्केट में डाइजेक्स एमपी या फिर आई थिंक दो तीन इस तरह के और प्रोडक्ट्स हैं जो कि बहुत कॉमनली यूज होती हैं फॉर दी एंटासिड्स, ठीक है, तो मतलब वो न्यूट्रलाइज करती हैं स्टमिक एसिड्स को. दे स्ट्रेंथन द गैस्ट्रिक म्यूकोसल बैरियर. When ingested 1 hour after a meal, they have a more prolonged effect. Okay, about 3 to 4 hours. They should originally be taken 1 and 3 hours after the meal and before sleep. Okay, so antacids के बारे में counseling point ये है कि इनको preferably खाने के 1 घंटे के बाद लिया जाए तो they are more effective. फिर क्योंकि खाने के बाद ही acid release होता है और acid को जो release हुआ है उसको फिर ये न्यूट्रलाइज करेंगे, ठीक है, तो इसलिए खाने के बाद बेहतर है. फिर इसमें नॉन सिस्टेमिक एंटासिड्स हैं जो कि ओरली दिए जाते हैं, सच एज मैग्नीशियम एल्यूमिनियम. फिर लिक्विड एंटासिड्स हैं जिसमें ग्रेटर बफरिंग कैपेसिटी देन द टेबलेट्स. जो लिक्विड फॉर्म है ना एंटासिड्स की, दे आर ऑलवेज बेटर एज कम्पेयर टू द टेबलेट्स, बिकॉज वो ईजिली डिस्पर्स हो जाते हैं, वो पूरी स्टमिक की इंटरनल लाइनिंग को जल्दी से जाके लाइनिंग कर लेते हैं जिसकी वजह से वो बैरियर बना लेते हैं. फिर एसिड न्यूट्रलाइजिंग कैपेसिटी जो है वो एक ये टर्म है, डेफिनेशन है कि कितनी स्ट्रेंथ है किसी एसिड की, किसी एंटी एसिड की, कि वो एसिड को न्यूट्रलाइज कर सके, ठीक है. तो इसकी डेफिनेशन है नंबर ऑफ मिलीग्राम्स ऑफ वन and normal solution of hydrochloric acid that can be brought to pH of 3.5 in 15 minutes. Yani 15 minutes mein ke kitne milli equivalents kitne milli equivalents jo hai wo antacid ka jo ke one normal solution of hydrochloride ko 3.5 ke pH pe le aata hai, theek hai. So that capacity is termed as acid neutralizing capacity. और जो रियली डोजेस होती हैं एंटासिड्स की, दे आर डिपेंड ऑन दी एसिड न्यूट्रलाइजिंग कैपेसिटी. जी फिर H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, जिसमें आपके पास सिमेटिडीन, रेनिटिडीन, फेमोटिडीन, निजेटिडीन है. सबसे ज्यादा कॉमन जो है रेनिटिडीन है जो कि जेंटेक टेबलेट्स मार्केट में अवेलेबल है. Prefer to other anti-ulcer agents because of their convenience and lack of effect on the GI motility and effective in treatment of mild to moderate GERD symptoms. ठीक है, तो ये जो है, अच्छा तो पिछले जो हमने antacids पढ़े हैं some way or the other उनकी जो gastric motility है उसके ऊपर effect होता है, like they cause sometimes they result in the constipation. तो उस केस में जहाँ पे हम सिर्फ एसिड की सेक्रेशन को कम करना चाह रहे हैं लेकिन गैस्ट्रिक मोटिलिटी को हम डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, क्योंकि बहुत से जो ट्रीटमेंट है अल्सर्स के उनकी एक साइड इफेक्ट्स में कॉन्स्टिपेशन भी इन्वॉल्व्ड है, क्योंकि जब गैस्ट्रिक मोटिलिटी कम होती है तो ऑटोमेटिकली ये जो पेशेंट जो है वो कॉन्स्टिपेशन डेवलप कर लेता है. तो H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट जो है वो गैस्ट्रिक मोटिलिटी को इफेक्ट नहीं करते, ठीक है. तो इसमें सिमेटिडीन है which is first H2 receptor antagonist you approved for the clinical use. It reduces gastric acid secretion by approximately 50%. ठीक है, नीचे इसकी डोज है, ड्यूडनल अल्सर के लिए अलग है, हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट्स के लिए अलग है, पेप्टिक अल्सर के लिए अलग है. डोज रेजिमेन का टेबल मैंने नीचे मेंशन किया हुआ है, कॉम्प्रिहेंसिव फार्मेसी रिव्यू में है, वहां से आप लोग इसकी डोज को मेमोराइज कर सकते हैं. Second is ranitidine, which is more potent drug, which is the most more potent drug and causes 70% reduction in the gastric acid secretion. ठीक है, इसकी डोज usually जो 150 mg tablets हैं 22 daily. Duodenal ulcer में 300 mg at bedtime up to 8 weeks. ठीक है, तो ये IV form में भी available है और ओरल रूट में भी अवेलेबल है. फिर फेमोटिडीन है और निजेटिडीन, तो ये चार ड्रग्स हैं H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट की जो के अल्सर्स की हीलिंग के लिए या गर्ड के लिए यूजली दी जाती हैं. फिर कुछ और इसके साथ साथ मेथड ऑफ ट्रीटमेंट है जो के यूज किए जाते हैं, सुक्रोल फेट.
सुक्रालफेट जो है म्यूकोसल प्रोटेक्टेंट, नॉन एब्जॉर्बेबल डाइसेक्रेट कंटेनिंग सुक्रोज एंड एल्यूमिनियम. तो सुक्राल जो है वो नेचुरली उसमें क्वालिटी है कि वो जेल फॉर्मेशन की वजह से वो आपकी जो स्टमक की इनर लाइनिंग है उसके ऊपर एक जेल की लेयर बना देता है, जिसकी वजह से जो एसिड है वो स्टमक या अल्सर जहाँ पर हुए हुए हैं उन पर ज्यादा असर मजीद असर नहीं कर पाता. ठीक है, तो सुक्रालफेट में ड्यूडिनल अल्सर रिस्पॉन्स बेटर देन द गैस्ट्रिक अल्सर टू सुक्रालफेट थेरेपी. ठीक है, तो नीचे इसकी डोज है, ओरल एजेंट सुक्रालफेट इज गिवन डोजेज ऑफ 1 ग्राम 4 times डेली, 1 hour बिफोर मील्स एंड एट ए बेड टाइम, एंड थेरेपी कंटिन्यूज फॉर द 4 weeks. बट इसका एक साइड इफेक्ट है कॉन्स्टिपेशन, बिकॉज आई टोल्ड यू कि सुक्रालफेट जो है वो वाटर को एब्जॉर्ब करता है और उसके बाद वो जेल की फॉर्मेशन करता है. तो ये क्या करता है, साथ साथ ये जीआई ट्रैक्ट में भी जितना वाटर है उसको भी एब्जॉर्ब कर लेता है, और जिसकी वजह से जो है वो डिहाइड्रेशन का शिकार हो सकता है पेशेंट और कॉन्स्टिपेशन का शिकार हो सकता है. फिर जीआई एंटीकोलिनर्जिक्स हैं जिसमें बेलाडोना लीफ है, एट्रोपिन है, पेंथिलीन है. फिर प्रोस्टाग्लैंडिन्स की प्रोटेक्शन के लिए मीजोप्रोस्टॉल के बारे में आपने सुना होगा कि जैसे रोटेक एक टेबलेट है जिसमें मीजोप्रोस्टॉल और आई थिंक डाइक्लोफेनिक पेन किलर है, तो ये पेन के लिए पेशेंट्स को दिया जाता है. तो क्योंकि आपको पता है कि जी जितने भी एनसीड्स हैं वो जीआई अल्सर्स कॉज करते हैं, वो कैसे कॉज करते हैं कि वो प्रोस्टाग्लैंडिन को ब्लॉक करते हैं. प्रोस्टाग्लैंडिन जो है वो म्यूकस सेक्रेट करता है इन द जीआई ट्रैक्ट जो के प्रोटेक्ट करता है म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द गैस्ट्रिक स्टमक अगेंस्ट द अल्सर. तो प्रोस्टाग्लैंडिन की जब प्रोडक्शन को ये डिक्रीज कर देगा सिंथेसिस को, तो वो म्यूकस की प्रोडक्शन नहीं होगी, म्यूकस की प्रोडक्शन नहीं होगी तो जीआई ट्रैक्ट जो है वो उसका जो म्यूकस प्रोटेक्टिव बैरियर है वो इजीली डैमेज हो जाएगा. लेकिन म्यूजोप्रोस्टोल का एक बहुत बड़ा कॉन्क्रीट इंडिकेशन है कि ये जो है वो प्रेगनेंट प्रेगनेंसी में खवातीन को और चाइल्ड बेरिंग एज होती है खवातीन की उसमें नहीं देना चाहिए, क्योंकि इसमें इससे बहुत ज्यादा हार्मोनल कॉम्प्लिकेशंस होते हैं. तो जो है वो एज ए फार्मासिस्ट ये आपका रोल है इन द फार्मेसी टू मेक श्योर कि इस ड्रग का मिसयूज भी ना हो. कमिंग टू द अदर क्लास दैट इज प्रोटॉन पम्प इनहिबिटर्स व्हिच इज द मोस्ट पोटेंट एंटी अल्सर ड्रग्स, जिसमें ओमेप्राजोल है, लैंसोप्राजोल है, रेबिप्राजोल है, पेंटोप्राजोल, एजोमेप्राजोल. It is more potent than H2 receptor blockers. ठीक है, तो ranitidine वगैरह की निस्बत omeprazole is more potent. IV forms have been approved by US Food and Drug Administration. Omeprazole और जितनी भी ये proton pump inhibitors हैं ये oral form में भी आते हैं और IV form में भी आते हैं. Proton pump inhibitors are more effective than other approved agents. ठीक है, and they are provide effective healing of the duodenal ulcer, provide more rapid synthesis, symptom relief and more consistent healing than H2 receptor antagonist. So agar aap comparative analysis kare of proton pump inhibitors ka aur H2 receptor antagonist ka, to obviously more effective, more potent anti ulcer drugs mein proton pump inhibitors ka naam aata hai. फिर इसमें ओमेप्राजोल है जिसकी जो यूजुअल डोज है, ओमेप्राजोल की जो यूजुअल डोज है जी 20 mg के कैप्सूल्स में आता है, और इसको खाने से 1 घंटे या आधे घंटे पहले खाली पेट जो है वो इस्तेमाल करना चाहिए. इसके अलावा आपने जैसे राइजिक कैप्सूल्स हैं जिसमें ओमेप्राजोल है, आजकल एक और प्रोडक्ट भी मार्केट में जिसको राइजिक इंस्टा का नाम दिया गया है. इंस्टा में सोडियम बाइकार्बोनेट भी एडेड होता है इन एडिशन टू द ओमेप्राजोल, जिसकी वजह से क्या है कि सोडियम जो ओमेप्राजोल है वो एसिड की सिक्रेशन को भी कम कर रहा है और सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वो एसिड को
जो ऑलरेडी प्रोड्यूस हो गया हुआ है उसको भी न्यूट्रलाइज करता है. तो बड़ा जो है वो क्विक रिस्पॉन्स देते हैं ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ कॉम्बिनेशन में ओमेप्राजोल. फिर एसोमेप्राजोल 40 mg कैप्सूल्स में आता है और प्रोवाइड सिग्निफिकेंटली हायर इंट्रागैस्ट्रिक पीएच वैल्यू. अच्छा, अब आपने जो है वो थोड़ा सा ये फाइंड करना है कि अब प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स में कौन से इनहिबिटर्स जो हैं वो ज्यादा इफेक्टिव हैं कंपैरेटिव एफिकेसी की बेस पे. ठीक है, क्योंकि मार्केट में ओमेप्राजोल भी अवेलेबल है, एसोमेप्राजोल भी अवेलेबल है, पेंटोप्राजोल भी अवेलेबल है. तो आपने ये फाइंड करना है कि विच वन इज मोर इफेक्टिव. तो इसके अलावा लैंसोप्राजोल है जिसमें गर्ड के लिए 30 mg है, एरोसिस एसोफिगाइटिस के लिए 15 mg है, ड्यूडनल अल्सर के लिए 15 mg है. फिर एबिप्राजोल है जो कि गर्ड के लिए 20 mg है और एरोसिस एसोफिगाइटिस के लिए 20 mg डेली है. पेंटोप्राजोल है 40 mg गर्ड के लिए है, एरोसिस एसोफिगाइटिस में 40 mg, ड्यूडनल अल्सर में भी 40 mg. इसके अलावा आईवी पेंटोप्राजोल इज इंडिकेटेड फॉर द मैनेजमेंट ऑफ एरोसिव एसोफिटिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ जोलिंगर एलिसन्स सिंड्रोम. ठीक है, तो डिपेंडिंग ऑन द के कितना जो है वो सीवियर किस्म का अल्सर है तो आप ओरल रूट, आईवी रूट, ड्यूरेशन ऑफ थेरेपी और इसके अलावा जो फ्रीक्वेंसी ऑफ द थेरेपी, डोज टू बी एडमिनिस्टर्ड, वो सारा कुछ उसकी बेस पे कर सकते हैं. तो ये ड्रग्स हैं और ये एक ट्रीटमेंट चार्ट है जो कि आपको बताता है कि आपने किस तरह से मैनेज करना है पेप्टिक अल्सर डिजीज में. अगर पेशेंट में अल्सर लाइक सिम्टम्स हैं तो आइदर इज इट ड्यू टू द एनसेड और आइदर यू गो फॉर द एंडोस्कोपी. अगर तो अलार्म सिस्टम सिम्टम्स का मतलब ये है कि सिम्टम्स अगर बहुत ज्यादा सिवियर नहीं है तो मोस्ट प्रोबेबली एनसेड की वजह से हो सकते हैं, और अगर सिम्टम्स बहुत ज्यादा क्रिटिकल हैं तो आप फिर एंडोस्कोपी की तरफ जाते हैं. एंडोस्कोपी में अगर कोई अल्सर नहीं है तो कंसिडर अदर इटियोलॉजीज फॉर द सिम्टम्स, फॉर एग्जाम्पल गर्ड. या एंडोस्कोपी में आपको पता है कि जी वो इंटरनली जो है वो जीआई ट्रैक्ट को देखते हैं और उसमें फाइंड करते हैं कि कहीं कोई अल्सर्स तो नहीं है. अच्छा, एंडोस्कोपी में अगर उसमें अल्सर्स पेशेंट में इंडिकेट हो जाए तो आप टेस्ट करते हैं फॉर द एच पायलोरी टू फाइंड आउट वेदर दिस इज अल्सर इज ड्यू टू एच पायलोरी और नॉट. अगर एच पायलोरी की पॉजिटिव टेस्ट नहीं है तो उसमें आप पेशेंट अगर एनसेड में है तो आप उसके एनसेड्स को स्टॉप करवा दें, उसके अल्सर को ट्रीट करवा दें विद प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स. अगर पेशेंट में एच पायलोरी है तो फिर उसको ट्रीटमेंट वो दें जो कि एच पायलोरी के लिए. ठीक है, इसी तरह से दूसरा है कि अगर नो अलार्म सिम्टम्स हैं तो आप पेशेंट से पूछेंगे कि वो कहीं एनसेड यूज कर रहा है या नहीं कर रहा. अगर वो कहेगा कि नहीं तो आप उसे पूछें कि पेशेंट प्रीवियसली आपको एच पायलोरी के लिए कोई ट्रीटमेंट दिया गया था या नहीं. अगर नहीं तो आप उसका टेस्ट प्रोड्यूस सीरोलॉजी टेस्ट करें और उसमें प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स का ट्रीटमेंट करें. ठीक है, अगर पेशेंट जो है वो कहते हैं कि मैं एनसेड्स ले रहा हूँ तो उसमें फौरन एनसेड्स को स्टॉप करवाया जाए या फिर उसकी डोज को डिक्रीज किया जाए या फिर पेशेंट को रिकमेंड किया जाए टू मूव टू कॉक्स टू इनहिबिटर्स. ठीक है, विच आर मोर सेफर इन एंड हैज लेस अल्सर प्रोड्यूसिंग कैपेबिलिटी. तो ये कंप्लीट इसका टेबल है, एक एक पेशेंट को आप किस तरह से मैनेज कर सकते हैं. कमिंग टू द एच पायलोरी विच इज एन माइक्रोबियल कॉज ऑफ पेशेंट डेवलपिंग अल्सर्स. ठीक है, विच इज प्रेजेंट द सेटिंग्स ऑफ द एक्टिव क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस. एच पायलोरी जो है मेनली इट इज ए ग्राम नेगेटिव स्पाइरल शेप्ड बैसिलस और इट कैन बी ट्रांसमिट फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू द अनदर थ्रू फीकल और ओरल रूट और फूड और वाटर दैट इज कंटेमिनेटेड ड्यू टू सम अदर रीजन. ठीक है, तो जो है ये मोस्टली फूड और वाटर के थ्रू जो है एच पायलोरी डेवलप होता है. तो अनहाइजेनिक फूड कंडीशंस हैं तो उनमें जो है पेशेंट के डेवलप करने के चांसेस ज्यादा होते हैं. फिर हायर प्रिवेलेंस अमंगस्ट द ओल्डर इंडिविजुअल्स. तो एच पायलोरी वो बैक्टीरिया है जो कि स्टमक में गैस्ट्रिक एसिडिटी सेक्रेशन को जरूरत से ज्यादा बढ़ा देता है और जिसकी वजह से पेशेंट जो है वो अल्सर्स डेवलप कर सकता है. फिर इसमें मुख्तलिफ किस्म के डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं.
जो कि परफॉर्म किए जाते हैं टू डिटरमिन के पेशेंट में कहीं एच पाइलोरी है कि नहीं है. उसमें रैपिड यूरेज टेस्ट है, हिस्टोलॉजी टेस्ट है, जो कि बायोप्सी के थ्रू किया जाता है. बायोप्सी में आपको पता है कि जो स्टमक की जो इनर म्यूकस टिश्यूज हैं वहां से एक सेक्शन को कट आउट किया जाता है, उस सेक्शन को फिर स्टडी किया जाता है, उसकी हिस्टोलॉजी को स्टडी किया जाता है टू डिटरमिन कि पेशेंट में एच पाइलोरी है कि नहीं है. उसमें रैपिड यूरेज टेस्ट है जो कि उसका मैकेनिज्म ये है कि इन द प्रेजेंस ऑफ एच पाइलोरी यूरिएज यूरिया इज मेटाबोलाइज्ड टू अमोनिया एंड बाइकार्बोनेट रिजल्टिंग इन इंक्रीज इन द पीएच व्हिच चेंजेस द कलर ऑफ द पीएच सेंसिटिव इंडिकेटर. ठीक है, तो बायोप्सी में जो पीएच होता है उसकी वजह से कलर चेंज हो जाता है जो कि आपको डिटर्मिन कर सकता है कि पेशेंट में एच पाइलोरी है कि नहीं है. अच्छा, उस पेशेंट में जिसमें आप ये रैपिड यूरिन टेस्ट करने वाले हैं तो एज अ फार्मासिस्ट यू शुड रिकमेंड टू द डॉक्टर के जो अगर कोई पेशेंट को मेडिकेशन दी जा रही है एंटी अल्सर की, जैसे एच टू रिसेप्टर एंटागोनिस्ट या प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स हैं, तो उनको विड होल्ड कर दिया जाए 1 to 2 weeks प्रायर टू टेस्टिंग. ठीक है, तो टेस्ट करने से 1 to 2 हफ्ते पहले वो अपनी सारी जो मेडिकेशन है स्पेसिफिकली एंटी अल्सर की, एंटीबायोटिक्स वगैरह, उनको विद होल्ड कर दे ताकि उसको फॉल्स नेगेटिव टेस्ट ना आए. फिर उसकी हिस्टोलॉजी देखते हैं विच इज द गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ एच पाइलोरी टेस्ट. हिस्टोलॉजी आपको पता है कि टिश्यूज की सेलुलर लेवल में जाके स्टडी को कहते हैं कि जो है वो जो टिश्यूज हैं बॉडी के वो नॉर्मल हैं कि नहीं है. तो हिस्टोलॉजी में जैसे मैंने आपको बताया था कि बायोप्सी में एक उसका पार्ट लेकर टिश्यू का उसको माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व किया जाता है, तो अल्सर के पेशेंट्स में जो गैस्ट्रिक म्यूकोजा है वो डैमेज्ड है, तो डैमेज होने की वजह से जो पेशेंट की हिस्टोलॉजी है गैस्ट्रिक म्यूकोजा की वो थोड़ी सी एबनॉर्मल होती है. फिर कल्चर टेस्ट किया जाता है जिसमें बैक्टीरियल कल्चर किया जाता है तो डिटर्मन के इसमें बैक्टीरिया कौन सा इन्वॉल्व है, उसको कौन सा एंटीबायोटिक देना है. फिर वो टेस्ट जिनमें कोई बायोप्सी इन्वॉल्व नहीं होती, उनमें एक तो यूरिया ब्रेथ टेस्ट है. ब्रेथ में जो है वो एक सर्टन टाइप की जो है वो क्वांटिफाई किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड को विच इज एक्सपायर्ड इन दी जो मतलब सांस पेशेंट ले रहा है उसकी जो एक्सपायरेशन है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट ज्यादा होता है. इसमें भी आपने एज ए डॉक्टर फार्मासिस्ट रिकमेंड करना है डॉक्टर को कि वो सारी मेडिकेशन पेशेंट की विद होल्ड करवा दे जो कि अल्सर के लिए दी जा रही है. फिर एंटीबॉडी टेस्ट होता है बॉडी में जो है वो सीरम में, ब्लड में, यूरिन में जो है पेशेंट के एंटीबॉडीज को डिटेक्ट किया जाता है. ये वो एंटीबॉडीज हैं जो कि एच पाइलोरी के अगेंस्ट बॉडी प्रोड्यूस करती है. फिर फीकल एंटीजन टेस्ट है जिसमें जो है वो फीकल जो कंटेंट्स हैं उनके अंदर जो एच पाइलोरी माइक्रोब है उसको डिटरमिन किया जाता है. ठीक है, नाउ कमिंग टू द ट्रीटमेंट ऑफ द एच पाइलोरी. इसमें फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट में प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स हैं Base 3 regimen. Second course of treatment में proton pump base 3 regimen and contain different antibiotics. ठीक है, तो इसमें हम usually proton pump inhibitors देते हैं और उसके साथ साथ antibiotics देते हैं जो कि H. pylori के against जो है effective है. फिर इसके अलावा 4 drug regimen है with bismuth salt, metronidazole, tetracycline and proton pump inhibitors. तो depending on the severity और कितने टाइम से पेशेंट को जो है वो ये एच पाइलोरी इन्फेक्शन है उसकी बेस पे अपना आप ट्रीटमेंट डिसाइड करते हैं. तो इसमें कन्वेंशनल एंटी अल्सर ड्रग ट्रीटमेंट इज नॉट रिकमेंडेड क्योंकि कन्वेंशनल में कोई एंटीबायोटिक इन्वॉल्व नहीं होती, इसलिए जो है दे आर नॉट रिकमेंडेड. ठीक है, फिर एंटीबायोटिक दैट इज मोस्ट प्रिवेलेंट प्रेफर्ड इज एमोक्सिसिलिन बिकॉज इट इज ए ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक associated with little or no bacterial resistance. ठीक है, तो amoxicillin जो है वो most preferred proton antibiotic है for the H. pylori. All proton pump inhibitors except pantoprazole have been approved in various combination of antibiotics for the eradication of H. pylori. तो शायद comparative studies की base पे they have find out that पेंटोप्राजोल जो है उसके अलावा बाकी जो एंटीबायोटिक्स हैं दे आर मोस्ट इफेक्टिव इन इरेडिकेटिंग दी एच पाइलोरी अल्सर्स. ठीक है,
ये इसकी डोजेस हैं और इसकी डिफरेंट रेजिमेंट्स हैं विच आर यूज्ड फॉर द एच पायलोरी इन्फेक्शन, जिसमें प्रोटॉन पम्प इनहिबिटर्स बेस्ड 3-drug रेजिमेन है, जिसमें प्रोटॉन पम्प्स हैं जिनकी स्टैंडर्ड डोज जो है वो डिपेंड करती है, अगर आप ओमेप्राजोल यूज कर रहे हैं तो स्टैंडर्ड डोज इज 20 mg, एसोमेप्राजोल यूज कर रहे हैं तो स्टैंडर्ड डोज इज 40 mg, पेंटोप्राजोल यूज कर रहे हैं तो वो उसकी डोज है, लेकिन आपने BID देने, यानी के दिन में 2 बार प्रोटॉन पम्प इनहिबिटर पेशेंट यूज करेगा फॉर 10 to 14 days. फिर क्लेरिथ्रोमाइसिन है विच इज एंटीबायोटिक फॉर 500 mg BID ट्वाइस डेली फॉर 10 to 14 days. और थर्ड है एमोक्सिसिलिन 1 gram BD ट्वाइस डेली फॉर 10 to 14 days. ठीक है, तो यूजुअल जो ट्रीटमेंट है दैट इज फॉर 14 days और उसमें 3-drug रेजिमेन यूज किया गया, प्रोटॉन पम्प इनहिबिटर्स, क्लेरिथ्रोमाइसिन और एमोक्सिसिलिन, या फिर आप यूज कर सकते हैं प्रोटॉन पम्प इनहिबिटर्स, क्लेरिथ्रोमाइसिन और एमोक्सिसिलिन के बजाय मेट्रोनिडाजोल. ठीक है, 500 mg BID 10 to 14 days. फिर बिस्मथ बेस्ड 4-drug रेजिमेंस हैं, जिसमें बिस्मथ 525 mg QID यानी क्वार्टर 4 times daily 10 to 14 days, मेट्रोनिडाजोल 250 to 500 mg QID 10 to 14 days, टेट्रासाइक्लिन 500 mg QID 10 to 14 days, और एडिशनल प्रोटॉन पम्प इनहिबिटर या H2 रिसेप्टर एंटेगोनिस्ट. तो आप इसमें या तो H2 रिसेप्टर एंटेगोनिस्ट भी दे सकते हैं या प्रोटॉन पम्प इनहिबिटर्स, बट एज पर माई स्टडी प्रोटॉन पम्प इनहिबिटर्स आर मोस्ट मोर पोटेंट एंड इफेक्टिव. ठीक है, फिर ड्रग इंड्यूस्ड अल्सर, जिसमें मैंने आपको बताया था कि मोस्ट कॉमन ड्रग्स जो इंड्यूस करती हैं अल्सर्स को, ये अभी आपने शायद बच्चों ने प्रेजेंट भी कर दिया हुआ है ड्रग इंड्यूस अल्सर्स के बारे में, तो उसमें एनसेड्स इन्वॉल्व हैं, जिसमें एस्पिरिन, एंडोमिथासिन एंड अदर एनसेड्स हैं. दे इंजर द गैस्ट्रिक म्यूकोजा बाय अलाउइंग बैक डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन आयंस इनटू द म्यूकोजा. ठीक है, तो गैस्ट्रिक म्यूकोजा को वो डैमेज करते हैं जिसकी वजह से पेशेंट अल्सर डेवलप करता है. Additionally, they inhibit the synthesis of the prostaglandin. Prostaglandin जो है वो mucus produce करता है gastric mucosa में, जो कि protect करता है इसको from the gastric acid. तो selective COX-2 inhibitors which are celecoxib are associated with fewer ulcers than non-selective NSAIDs. तो अगर किसी patient में NSAIDs देना बहुत ज़रूरी है तो prefer करें कि selective COX-2 inhibitors जैसे celecoxib है या दूसरे इस तरह के NSAIDs हैं उनको use किया जाए. ठीक है, फिर monitoring, अब आपने जो treatment design की है, how would you monitor कि आपका जो treatment है patient में safe और effective है कि नहीं है. जैसे कि H. pylori का treatment है तो उसमें आप post treatment testing करेंगे patient में, जिसमें जो है वो rapid urease test है, histology, जिससे आप डिटरमिन करेंगे कि पेशेंट में उसकी जो हिस्टोलॉजी नॉर्मलाइज हुई है कि नहीं हुई है. पीछे जो मैंने आपको सारे डायग्नोस्टिक टेस्ट समझाए हैं वो नेगेटिव आने चाहिए ताकि आपकी जो थेरेपी है वो इफेक्टिव हो. एब्डोमिनल पेन पेशेंट में अब है कि नहीं है, ठीक है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन या पेन पेशेंट फेस कर रहा है कि नहीं कर रहा, पेशेंट में डायरिया तो नहीं है, डायरिया क्योंकि एंटीबायोटिक थेरेपी की वजह से पेशेंट माइट डेवलप डायरिया. ठीक है, फिर रीनल फंक्शन पेशेंट का के मेडिकेशंस की वजह से या किसी और वजह से पेशेंट का रीनल फंक्शन नॉर्मल है कि नहीं है. ठीक है, कॉन्स्टिपेशन तो नहीं है आपके पेशेंट में आफ्टर टेकिंग मेडिकेशन विच इज रिलेटेड टू द साइड इफेक्ट, कि कुछ मेडिकेशन जैसे कि ये डायरिया और कॉन्स्टिपेशन कॉज कर सकते हैं सच एज एंटीबायोटिक्स. ठीक है, तो उसके लिए मैंने अभी आपको पीछे बताया था कि पेशेंट में आप ऐड करें प्रोबायोटिक्स. ठीक है, फिर पेशेंट का हार्ट रेट, मोस्टली जो इस तरह की ट्रबल्स होती हैं कि जिसमें हाइपोवॉल्यूमिक शॉक में पेशेंट जा सकता है, पेशेंट को एनीमिया हो सकता है, तो उसमें जो उसका हार्ट रेट है वो इंक्रीज कर जाएगा. ठीक है, तो हार्ट रेट बहुत इंपॉर्टेंट वाइटल साइंस है, हार्ट रेट उसके अलावा पल्स रेट बहुत इंपॉर्टेंट वाइटल साइन है टू डिटर्मन कि पेशेंट का नॉर्मल है कि नहीं है. फिर गायनेकोमेस्टिया और इम्पोर्टेंस तो नहीं डेवलप होगी पेशेंट में,
ये यूजुअली आप लोग ये जरूर स्टडी करेगा मेडस्केप से कि ये जो ड्रग्स हैं इनके साइड इफेक्ट्स क्या क्या हैं, ठीक है। ये फार्माकोलॉजी का पार्ट है और ये क्योंकि मैं स्लाइड्स में ऐड नहीं कर सकता, बहुत ज्यादा डिटेल्ड है, लेकिन हर ड्रग का जो मेन या बहुत कॉमन साइड इफेक्ट है वो आपको पता होना चाहिए। तो ये H2 रिसेप्टर एंटेगनिस्ट जो हैं, यूजुअली इनके लॉन्ग टर्म यूज में पेशेंट जो है कुछ कॉम्प्लिकेशंस डेवलप कर सकते हैं, काइनोकोमेस्टी या इम्पोटेंस। तो आपने अपने पेशेंट में ये देखना है कि कहीं वो डेवलप तो नहीं कर रहा कोई इस किस्म का साइड इफेक्ट। फिर हीमाटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स नहीं डेवलप कर रहा, जैसे सिस्मेटिडीन है और इवन जो दूसरे H2 रिसेप्टर एंटेगनिस्ट हैं रैनिटिडीन वगैरह, ये जो है वो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया और जो है दूसरे हीमाटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स कॉज करते हैं। फिर रैनिटिडीन जो है वह हेपेटोटॉक्सिसिटी कॉज करती है, तो आपने अपने पेशेंट में ये बार बार मॉनिटर करना है कि कहीं वो हेपेटोटॉक्सिसिटी तो नहीं डेवलप कर रहा। उसके लिए आप उसका लीवर फंक्शन टेस्ट टाइम बाय टाइम करते रहेंगे। फिर एंडोस्कोपी के आपके पेशेंट में अल्सर्स हील हुए हैं या नहीं हुए, ठीक है। तो दीज आर सम पैरामीटर्स बेस्ड अपॉन विच आप जो है अपने पेशेंट की ट्रीटमेंट के बारे में मॉनिटर कर सकते हैं कि ट्रीटमेंट उसमें इफेक्टिव है कि नहीं, उसको फायदा पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा, और कहीं उसमें कोई साइड इफेक्ट डेवलप नहीं हो रहे। इसके अलावा मैं बार बार ये बताता हूँ कि आप क्योंकि फार्माकोलॉजी का पोर्शन पढ़ के आए हुए हैं, तो आपको कुछ ड्रग्स की कॉन्ट्राइंडिकेशन, उनके साइड इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट, डोजेस, फ्रीक्वेंसी, ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट, जो कि पूरा डोजेज रेजिमेन आता है, और मॉनिटरिंग पैरामीटर्स, ये सब पता होने चाहिए। मतलब मेनली जो है जैसे हर क्लास में कोई ड्रग्स का कुछ कॉमन साइड इफेक्ट होता है। इसके अलावा जो आप ड्रग इंड्यूस्ड डिजीज पढ़ रहे हैं वो भी इसलिए इम्पोर्टेंट है कि वो आपको ये बताएगी कि कौन सी ड्रग की वजह से जो आपने ऑलरेडी किसी ट्रीटमेंट के लिए दी है वो ड्रग मजीद कौन सा कोई और डिजीज तो नहीं डेवलप कर रही पेशेंट के अंदर। जैसे रैनिटिडीन है वो एनीमिया और थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कॉज कर सकती है, तो इसीलिए जो ड्रग इंड्यूस डिजीज है उसकी स्लाइड्स को भी लाजमी पड़ेगा, और वो ही मेन आपका नॉलेज है एज ए फार्मासिस्ट, ठीक है। तो फिर एक और बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशन जो है जो हर एंटीबायोटिक के साथ होती है, दैट इज क्लॉस्ट्रीडियम डिफिसेली एसोसिएटेड डायरिया। ये बहुत सिवियर फॉर्म ऑफ डायरिया होता है जो कि बहुत लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट विद एंटीबायोटिक्स की वजह से होता है, और ये वन ऑफ द कॉम्प्लिकेशन है। आपने अपने पेशेंट में ये मॉनिटर करने के कहीं वो कोई किस्म का डायरिया तो डेवलप नहीं कर रहा, क्योंकि वो ऑलरेडी अल्सर का पेशेंट है, उसमें ऑलरेडी जो है वो ब्लीडिंग हो रही है, एनीमिया भी है, मेल नरिश भी है, और साथ में अगर उसको डायरिया भी हो जाए तो फिर आपका पेशेंट जो है वो बहुत ज़्यादा उसकी हेल्थ डिटेरियोरेट कर जाएगी, ठीक है। फिर कुछ काउंसलिंग पॉइंट्स हैं कि अपने पेशेंट में जो है वो आप उसको बताएं कि मेडिकेशन की इंपॉर्टेंस क्या है, मेडिकेशन लेनी कैसे है, खाने से पहले लेनी है, बाद में लेनी है, खाली पेट लेनी है, ठीक है, और ड्यूरेशन क्या है, कितने अरसे तक लेनी है, उसके साइड इफेक्ट्स क्या क्या हैं। तो क्लास आई थिंक आपका टाइम अप हो गया है, ये टोटल इसकी स्लाइड्स थी, और जैसे मैंने बार बार कहा कि इन ड्रग्स की आप फार्माकोलॉजी को एक दफ़ा ज़रूर रिपीट कर लें, उनकी मोड ऑफ एक्शन को, उनके साइड इफेक्ट्स को, ड्रग इंटरेक्शंस को, इसके अलावा साइड इफेक्ट्स, कॉन्ट्राइंडिकेशन, जैसे मिसोप्रोस्टोल है उसके बारे में मैंने बताया था कि मिसोप्रोस्टोल जो है वो प्रेगनेंसी में बहुत सिवियरली कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, और शायद आपको पता नहीं है ये पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा मिसयूज भी हो रही है और इरेशनली यूज हो रही है। बहुत सारी फार्मेसीज जो है वो इसको किसी और मकसद के लिए लोगों को बड़े महंगे दामों सेल भी करते हैं। तो एज ए फार्मासिस्ट ये आपका काम है कि इन मेडिकेशंस के मिसयूज को रोका जाए। क्लास काइंडली आप मीटिंग को टाइमली ज्वाइन किया करें, अभी तक बच्चे आ रहे हैं और मोस्टली मैं एडमिट पे ही लगा हुआ हूँ बच्चों को जो है वो एडमिट करने, तो काइंडली टाइमली ज्वाइन किया करें। अब कल ये है, कल सब ने फिर ज्वाइन करना है, कल प्रेजेंटेशन है मॉर्निंग क्लास की, इवनिंग की नहीं है, इवनिंग का कोई और मेथड मोड होगा प्रेजेंटेशन का, ठीक है। तो जी हमाद जी सर, ठीक है, आई थिंक वी आर डन। तो कल इंशाल्लाह किस टाइम पे है प्रेजेंटेशन? सर अगर इवनिंग की नहीं होगी तो हम टाइम को थोड़ा कर सकते हैं, वैसे तो हमने 9:40 रखा था,
अगर इवनिंग की नहीं होगी तो हम फिर वही 10 बजे कर लेंगे। इवनिंग की नहीं है, कल सिर्फ आपकी है, ठीक है? चलें फिर 10 बजे से। कल फिर आप ही ये ना मीटिंग कॉल करेगा, ठीक है? सर ये उसामा क्या करेगा और वही वो चीजों को किया करे। जी सर, थैंक यू, ओके, अल्लाह हाफिज़।